हाय गाइज, माय नेम इज शंसेगर बरोला और मेरा नंबर है 9899-123-008 और हम पढ़ रहे हैं आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो इस चैप्टर हमारे दो सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने वो समझ लिए, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ वो कॉन्सेप्ट्स अब हमारी समझ में आ गए। तो अब हम ये चैप्टर को आगे बढ़ते हैं और ये अपनी स्टडी को आगे पढ़ते हैं। तो बेसिक ये चैप्टर टेक्निक्स के बारे में है, और ये टेक्निक्स के बारे में क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, आखिर कोई नई चीज़ आई तभी, नई टेक्निक्स आई तभी ये पर्टिकुलर चैप्टर बन गया। तो यानी ये चैप्टर ही इसलिए बनाया है क्योंकि नई टेक्निक्स आ गई हैं, और वो टेक्निक्स कौन सी हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। लेकिन इस चैप्टर का जो ये जो चैप्टर है उसका नाम है आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो हमने पिछले सेशन में जाना था आईएएस ऑडिट टेक्निक्स मतलब क्या हुआ कि आईएएस एनवायरनमेंट में ऑडिट टेक्निक्स, यानी सीआईएस एनवायरनमेंट में, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में जो ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम हमने ये भी जाना था कि कंप्यूटराइज्ड सीआईएस एनवायरनमेंट, जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट है, वहाँ पर मैनुअल टेक्निक्स की भी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की भी जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है, कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर को ऑडिट करना, और कैसे ऑडिट करना, लॉजिकली ऑडिट करना। तो बेसिकली यहाँ पर ऑडिट मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, और ये बात करेंगे क्यों हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, इन टेक्निक्स को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, इनका रीज़न क्या है सिलेक्शन का। और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में जब हम जा रहे हैं तो इन टेक्निक्स के लॉसेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इन टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो आईटी कंट्रोल और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की लेने की कोशिश करेंगे, और आईटी की वजह से क्या इम्पैक्ट आया इसकी लेने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे ऑडिट मेथोडोलॉजी में क्या इम्पैक्ट आया, जो ऑडिट मेथोडोलॉजी में जो इम्पैक्ट आएगा, फिर टेक्निक्स भी चेंज होंगी, क्योंकि मेथोडोलॉजी चेंज होगी तो टेक्निक्स चेंज होंगी। उसके बाद हम वेरियस मेथड्स, टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होने की वजह से नई मेथड्स पैदा हो गई, टेक्निक्स पैदा होंगी, टूल्स पैदा हो गए। उसके बाद कंटिन्यूस ऑडिट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, ऑडिट क्या होता था, कंटिन्यूस नहीं हो सकता था, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है वैसे वैसे होना कॉस्टली था, तो बाद में हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव हिस्टोरिकल ज़्यादा रहता था। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हमने सिस्टम में लॉगरिथम डालना है और लॉजिक डालना है, और लॉजिक से ही ऑडिट कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस ऑडिट एनवायरनमेंट है। बेसिकली कंटिन्यूस ऑडिट एनवायरनमेंट क्या है, कल की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो 100% ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर ऑडिटर भी 100% ऑटोमेटेड हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट कर सकती है। लेकिन आज की डेट में ये नहीं है, आज की डेट में उसका लिमिटेड वर्जन है, जिसे ये कहते हैं, जिसे कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो क्योंकि हम इस मिडिल पीरियड में हैं, तो इस मिडिल पीरियड में जो भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहाँ पर मैनुअल मिक्स जरूर होगा। तो जब आप आगे पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, जब कंप्यूटराइज्ड जब आप आईटी ऑडिट की बात करोगे तो आईटी ऑडिट में कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर से ऑडिट करेंगे, लेकिन कुछ एरिया मैनुअल ऑडिट के होंगे, क्योंकि आज भी मैनुअल इंटरवेंशन है। आईटी एनवायरनमेंट कितना ही सोफिस्टिकेटेड मैच्योर आईटी एनवायरनमेंट हो, सीएमएम फाइव लेवल फाइव कंपनी हो, वहाँ पर भी आपका मैनुअल इंटरवेंशन तो है ही है। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर इसलिए आया, सिंपल वो हम जानते हैं, कंप्यूटर इसलिए आया कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से आया, रिलायबिलिटी की वजह से आया। कंप्यूटर कॉस्ट इफेक्टिव था, रिलायबल था, एरर्स नहीं करता था, अगर उसका लॉजिक सही है एरर्स नहीं करता था, कंप्यूटर फ्रॉड नहीं करता है, खुद उसको इंसेंटिव नहीं है कोई फ्रॉड करने का, आदमी फ्रॉड करेगा कंप्यूटर फ्रॉड नहीं करेगा, कंप्यूटर थकता नहीं है, 24/7 काम करता है। तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर नौकरी छोड़कर नहीं जाता है और मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर कॉस्ट इफेक्टिव होता चला गया वहाँ वहाँ पर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया, ह्यूमन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या है, प्रोसेसिंग बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो एक जगह पर 1000 लोगों का काम हो रहा था। पहले ब्रांचेज में क्लर्क बैठे होते थे और लोग आते थे, वो पैसा डिस्पेंस करा करते थे, आज की डेट में ATM से सेंट्रलाइज डेटाबेस है, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस सारी अकाउंटिंग करता है, आदमी को वहाँ पर आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टोटल एनवायरनमेंट नॉन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है,
सॉरी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 100 वो टोटल एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। अब चूंकि एक जगह पर सारी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग रिस्क बढ़ गया, मैसिव प्रोसेसिंग रिस्क बढ़ गया। अब मैसिव प्रोसेसिंग रिस्क बढ़ गया तो आपको उसको ऑडिट भी करना है। अब ऑडिट करना है तो आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स एक इवेल्युएशन टूल है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये कहोगे कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है? इवेल्युएशन टूल है या चेकिंग टूल है, एक ऐसा टूल जिससे चेकिंग होती है और जिससे इवेल्युएशन होता है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करके की ज़रूरत क्या है, वो करता क्या है? सबसे पहले हमने ये जाना कि हमें कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में आउटपुट इनपुट तो हम देख सकते हैं मैनुअली, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं देख सकते हैं, प्रोसेसिंग लॉजिकली देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ हुआ। हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर ऑडिट करने लगे, तो सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर ऑडिट कैट की ज़रूरत जो है, कैट की ज़रूरत इवेल्युएशन टूल की तरह है। और कैसे इवेल्युएशन टूल की तरह है कि हम प्रोसेसिंग को चेक करें, किसकी प्रोसेसिंग को चेक करें, इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोसेसिंग को चेक करें, और चेक क्या करें कि वो एडुकेट है, इनएडुकेट है, यानी प्रोसेसिंग की एडुकेसी चेक करना सबसे पहला काम है कैट का। अब आगे चलते हैं सेकंड चीज में। दूसरा चीज यह है कि इंटरनल कंट्रोल को सेफगार्ड करना। इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में, जैसे मैंने पहले यह भी क्लियर कर चुका हूं, पिछले सेशन में कर चुका हूं, ह्यूमन बीइंग कभी भी फ्रॉड कर सकता है, उसके अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कई बार वो इमेज बना रहा होता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और एक बीच एक पीरियड में वो फ्रॉड कर जाता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर में रिलायबिलिटी होती है, अगर वायरस आ गया तो फिर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो प्रॉब्लम करते रहेगा, उसका कोई लॉजिक होता है। अगर किसी हैकर ने हैक कर दिया तो वो, या कोई ट्रोजन प्रोग्राम आ गया तो वो वहाँ पर एक लॉजिक पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो गलत काम कर रहा है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सही है तो प्रोसेसिंग सही होगी। और इंटरनल कंट्रोल कहां पर है? कंप्यूटर के अंदर है, लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तो कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली आपको घुसना पड़ेगा। और लॉजिकली घुसकर किससे घुसोगे? कैट से घुसोगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स से का यूज करके करोगे, यानी सॉफ्टवेयर के कोड्स कैसे देखोगे? सॉफ्टवेयर के थ्रू देखोगे, सॉफ्टवेयर के कोड सही हैं कि नहीं सही है, इंटरनल कंट्रोल सही हैं कि नहीं सही है, लॉजिकल कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। लॉजिकल कंट्रोल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा चीज़, हम जो एसेट्स कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, जो लॉजिकली कंट्रोल हो रहे हैं, वो सेफगार्डेड हैं कि नहीं है। आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि डेटा किंग हो गया, आज की डेट में आप फेसबुक कंपनी में जाओगे, आप कहोगे जी ऑडिट करना है, वो कहेगा ऑडिट करना है तो ठीक है, ये डेटा सेंटर में ले जाएगा, डेटा सेंटर में ले जाकर वो कहेगा ये डेटा पड़ा हुआ है ये इन हार्ड ड्राइव्स के अंदर, इन स्लॉट्स के अंदर, स्लॉट्स होते हैं और उसमें हार्ड ड्राइव्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्लॉट्स आते जाते हैं, हार्ड ड्राइव लगती चली जाती हैं, इसके अंदर डेटा है और यही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से कंपनी 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है। आप हिंदुस्तानी 125 करोड़ हिंदुस्तानी 1900 बिलियन डॉलर साल भर में मेहनत करके कमाते हो, हमारी कंपनी की वैल्यू 100 बिलियन डॉलर है, यानी हमारी कंपनी की जितना आप पूरे 125 करोड़ भारतीय पूरे साल भर में जितना कमाते हो, उससे 1/19th वैल्यू हमारी कंपनी की है। और क्या, किस वजह से? डेटा की वजह से। ये डेटा गायब हो जाएगा तो कंपनी गायब हो जाएगी, और हमारी कंपनी का 95% या 99% वैल्यू इस डेटा की है। तो मटेरियलिटी के एंगल से आप देखोगे तो इस डेटा को चेक करोगे, ये डेटा किंग हो गया है, और ये डेटा गायब ना हो जाए। डेटा अगर गायब हो जाएगा तो सेकंडों में कंपनी गायब हो जाएगी, और डेटा गायब भी हो सकता है। डेटा को गायब करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी बात है। तो यही डेटा इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपको डेटा, अब क्या करना है? डेटा की चेकिंग करनी, सॉफ्टवेयर की चेकिंग करनी, हार्डवेयर की चेकिंग करनी। बेसिकली ये लॉजिकली आप इसको चेक कर सकते हो। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि आपको बता देंगे आपके पूरे सिस्टम्स में कितने कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या क्या उसका वर्जन है, विंडो है तो कौन सा वर्जन है, कितने विंडोज़ हैं, किस किस मशीन में इंस्टॉल्ड हैं, कितना कौन सा वर्जन है, XP है, 7.1 है। कई बार क्या होता है, लीगेसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लीगेसी सॉफ्टवेयर मैंने अपने सेशंस में बता चुका हूँ, बाप दादाओं के वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी कंपनी ने बनाए हैं, जो इंटीग्रेटेड नहीं है, तो वो बता देगा ये लीगेसी सॉफ्टवेयर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं।
तो पूरी सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी, डेटा कहाँ कहाँ पड़ा है आ जाएगा, कहाँ कहाँ हार्डवेयर हैं वो भी आपको वो सॉफ्टवेयर बता देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन एसेट्स को फिर आप सेफगार्ड करोगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, डेटा एसेट। अगर डेटा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने कर लिए तो एक पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर की कंपनी या आईटी कंपनी में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट है वो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर का ही यूज़ कर रहा है, बेसिकली वही डेटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैट को क्यों यूज़ करते हो, कैट को इवैल्यूएशन टूल की तरह यूज़ करते हो, क्या ही के लिए करते हो, प्रोसेसिंग की एडुकेसी देखने के लिए करते हो, इंटरनल प्रोसेसिंग की एडुकेसी देखने के लिए करते हो कि प्रोसेसिंग सही हो रही हो कि नहीं हो रही, क्योंकि प्रोसेसिंग लॉजिकल है। दूसरी लॉजिकल चीज़ इंटरनल कंट्रोल है। तीसरी लॉजिकल चीज़ एसेट का कंट्रोल है, लॉजिकली जो एसेट कंट्रोल कर रहे हो। तो लॉजिकल प्रस्पेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कैट करते हो, और कई कंपनियों में जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 90% चीज़ें लॉजिकल हो गई हैं, लॉजिकली ऑडिट की जा सकती हैं। तो वहाँ पर देखिए फेसबुक जैसी कंपनी, व्हाट्सएप जैसी कंपनी है, उसमें वहाँ पर पेपर इनके कोई मायने नहीं रखते हैं, टेबल चेयर ये वो की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। और कई कंपनियाँ तो ऐसी हैं क्लाउड में आ गई हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अब जरूरत नहीं है बहुत सारी कंपनी की। कई कंपनी जो हैं आपकी जो BPO CPO हैं उसमें तो ऐसा होता है वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर उनको बोला जाए कि कल कंपनी बंद कर दो तो उनका जो बिल्डिंग है वो लीज़ में ली होती है, सारी चीज़ें उनकी लीज़ में होती हैं, वो आपको 2 दिन में पूरी कंपनी डिसमेंटल कर देगा। तो वहाँ पर आप एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, बेसिकली डेटा का मायने रखता है। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक गवर्नमेंट है, नाम मैं बोल रहा हूँ, उसने सारे डेटा अपना क्लाउड में रख दिया है। यानी गवर्नमेंट अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो डेटा बचा रहेगा, क्योंकि वो डेटा क्लाउड में आ गया है। मतलब उसने अपने पास नहीं रखा है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस रखने वाले लोगों के पास डेटा रख दिया है, सिक्योर तरीके से रख दिया है। सिक्योरिटी का इशू होता है गवर्नमेंट का अगर आप डेटा रख रहे हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर असिस्टेड एडिट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, कैट का यूज़ कर रहे हो, कैट की ज़रूरत क्या है, कैट की ज़रूरत इवैल्यूएशन टूल की तरह है, कैट की ज़रूरत एक ऐसे टूल की चेकिंग टूल की तरह है, आपको आप चेक कर रहे हो, उस टूल को यूज़ कर रहे हो, आपकी ऑडिट मेथोडोलॉजी में चेंज आ जाएगा। और क्यों कर रहे हो, प्रोसेसिंग चेक करने के लिए, इंटरनल लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए। 2 टाइप के इंटरनल कंट्रोल है, फिजिकल इंटरनल कंट्रोल, लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल। जहाँ भी ITI आई उसने 2 चीज़ें डाल दी हैं, फिजिकल लॉजिकल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्लास डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, कास्ट सिस्टम पैदा हो गया एक तरह से समझ लो। जो मैनुअल वाला है वो बेकार है और जो IT वाला है वो बेटर है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो मैनुअल सिस्टम को हटाना चाहते हैं और केवल ये इसमें इस चीज़ को लेकर आना चाहते। तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है उसने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रॉन्गली बोल रहा हूँ, क्लास डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। क्लास 2 क्लासेस पैदा हो गई हैं, एक क्लास मैनुअल की है, एक क्लास ऑटोमेटेड की है। एक क्लास हाईली मेच्योर CMM लेवल 5 कंपनीज़ हैं या CMM लेवल 4 कंपनीज़ हैं, और एक जो है उससे नीचे की कंपनीज़ हैं और मैनुअल कंपनीज़ हैं। तो इन सब चीज़ के लिए कैट की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि IT एनवायरनमेंट का ऑडिट मेथोडोलॉजी में क्या इम्पैक्ट आया, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये जाना कि अगर IT एनवायरनमेंट है, एक तो मैनुअल एनवायरनमेंट है उसको छोड़ देते हैं, मैनुअल एनवायरनमेंट में मैनुअली ऑडिट होगा उसको भूल जाते हैं। दूसरा IT एनवायरनमेंट है, IT एनवायरनमेंट में 2 सिनेरियो हैं, वैसे 3 सिनेरियो लेके चलते हैं। पहला सिनेरियो इन्वायरमेंट कौन सा है, IT का इन्वायरमेंट है, एक कंपनी है जिसमें IT इन्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर 2 सिनेरियो होंगे, तीसरा सिनेरियो तो आइडियल सिनेरियो है जो कि आज नहीं आया, कल की डेट में आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी तरीके से आ जाएगी, जनरल AI आ जाएगी, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। आज की डेट में जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो मैनुअल इंटरवेंशन है। जब जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो 100% IT इन्वायरमेंट हो जाएगा। वहाँ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर 10-12 आदमी हैं और बाकी फैक्ट्री में सारे रोबोट्स हैं, वो आदमी सुपरविजन के लिए, लेकिन कल की डेट में ही आ जाएगा, उन आदमियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो आ गई हैं, उसमें
ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो 100% आईटी इन्वायरमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि आईटी इन्वायरमेंट है, आईटी इन्वायरमेंट में एक होता है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट और एक होता है आईटी ऑडिट। ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स हम लगाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स फेल कर जाएंगी। ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स ट्रेडिशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को, ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो सेम है, मतलब वही ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो ट्रेडिशनल है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो मैनुअल हो आईटी हो सेम है, लेकिन आईटी एनवायरनमेंट में सेम ऑडिट ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स अगर लगाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक बैंक है, बैंक में आप ऑडिट करने जा रहे हो, अब आप सेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया है वहाँ पर, उसमें पहले बैंक में जाते थे हज़ार, छोटे बैंक में जाते थे तो 1000 ट्रांजेक्शन होते थे पर डे के, और कई बैंक की शाखाओं में जाओगे तो महीने भर में 1000 ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ पर, और कई जगह में जाओगे तो क्वार्टर में 1000 ट्रांजेक्शन होंगे। कोई SBI की छोटी शाखा में चले जाओगे, क्योंकि SBI क्या करता है कि जिस गाँव में दो घर होंगे एक घर SBI बन जाता है, ऐसा होता था पहले, अब तो वो एफिशिएंट हो गए। तो जो बैंक होगा उसका सेंट्रलाइज डेटा वो, उसमें करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होंगे, करोड़ों ट्रांजेक्शन को आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। अगर उसको ऑडिट करोगे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ऑडिट का पर्पस डिफीट हो जाएगा आपका। ऑडिट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट इफेक्टिव होना, आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगे उसको ऑडिट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन हैं। आप एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में आप उसके ऑडिट हर एक ट्रांजेक्शन को देख रहे हो, आप कंट्रोल्स देखना चाह रहे हो तो मशीन के अंदर घुसना है, कंट्रोल्स आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आप ट्रांजेक्शन बेस्ड होकर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल्स आपको कंट्रोल्स दिखाई नहीं देंगे, लॉजिकली कंट्रोल्स आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर दोगे, कंप्लायंस टेस्टिंग यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कम कर दोगे, कर ही नहीं पा रहे हो आप, ट्रेडिशनल ऑडिटर हो, स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि कंट्रोल्स देखने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुसना पड़ेगा, वो स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, या सॉफ्टवेयर है तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, वो इतनी कॉस्टली हो जाएंगी, इतनी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगी, वो काम ही नहीं करेंगी। तो क्योंकि नया ऑडिट रिस्क आ गया है और नई चीज़ आ गई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क रहता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो रिस्क, जिसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क रहता है, रिस्क होता ही होता है। अगर बैंक की 1000 ब्रांचेज हैं और उसमें 1000 आदमी बैठे हुए हैं और मैनुअली खाता मेंटेन कर रहे हैं, अगर कहीं पर फ्रॉड होता है तो एक जगह पर फ्रॉड होता है, सेंट्रलाइज बैंकिंग हो जाती है तो उसके अगर डेटाबेस में अगर फ्रॉड हो जाता है तो पूरे इंडिया में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर एक जीरो बढ़ जाता है, एक जीरो कम हो जाता है, या कुछ हो जाता है, अगर उसका वहाँ कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरे इंडिया में पूरे खातेदारक, पूरे इंडिया वाइड खातेदारों को, इवन वर्ल्ड वाइड खातेदारकों को, में अकाउंट होल्डर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक अलग क्लास का इनहेरेंट रिस्क पैदा हो गया। पहले ये रिस्क नहीं था, पहले ये इमेटीरियल था, अगर कोई एक छोटी सी शाखा में फ्रॉड भी हो गया तो ठीक है, ब्रांक के प्रस्पेक्टिव से इमेटीरियल था, लेकिन आज सेंट्रलाइज डेटाबेस आ गया है, और चूंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस आ गया है तो वहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो कुछ इनहेरेंट रिस्क आ गए। तो आप ऑडिटर हो, आपके ऑडिट रिस्क वही रहेंगे। देखिए, ऑडिट ऑब्जेक्टिव वो रहेगा, ऑडिट रिस्क उतना ही रहना चाहिए, ऑडिट रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। आप ऑडिटर हो तो ये नहीं कि आईटी आ गया तो ऑडिट लेवल ऑफ जो ऑडिट रिस्क है आपको एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देना है, 100% एश्योरेंस नहीं देना है नो डाउट, लेकिन एक रीजनेबल एश्योरेंस देना है। आपसे ये नहीं कहा गया है कि उस रीजनेबल एश्योरेंस में कोई डाइल्यूशन हुआ है आपकी, बल्कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप पर लाइबिलिटियाँ ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, आप पर ज़्यादा लाइबिलिटी है, एश्योरेंस रिलेटेड लाइबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है, तो आपका लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क वही रहेगा, और चूंकि लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क वही रहेगा तो आपको सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा। और आप इसको किसके थ्रू चेक करोगे, ये सारी चीज़ों को आप एक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से करोगे, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर की चेकिंग करोगे, लॉजिकल चेकिंग करोगे। तो जब आप ये लॉजिकली चेक कर रहे हो एक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स लेकर CAAT का यूज़ कर रहे हो,
और प्रोसेसिंग चेक कर रहे हो, लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल्स लॉजिकली चेक कर रहे हो, लॉजिकल एसेट्स को लॉजिकल सॉफ्टवेयर से चेक कर रहे हो और देख रहे हो कि सही है कि नहीं सही है, तो ये आईटी ऑडिट है। तो आप आईटी ऑडिट कर रहे हो। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ट्रेडिशनल मेथड्स इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें थी। इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन आज भी करना पड़ेगा। आप कंपनी में जाकर देखोगे, इंक्वायरी करोगे, बुलाओगे आईटी वाले को, बुलाओगे उससे क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चनर दोगे, उसके बाद ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करके इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बेसिकली हम ये कहें आईटी एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल ऑडिटर आता है तो वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट करता है, और एक टेक सेवी बिग फोर का ऑडिटर आता है तो वो आईटी ऑडिट करता है। तो जो पहला वाला ऑडिटर है वो ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग ज़्यादा करता है, और बाद वाला ऑडिटर जो है यानी आईटी ऑडिट जो कर रहा है वो कंट्रोल्स की टेस्टिंग ज़्यादा करता है। तो जैसा पहले सेशन में मैंने बनाया, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहा है, ऑडिट रिस्क भी सेम रहा है, लेकिन जो इनहेरेंट रिस्क चेंज हो गया है, रिस्क बढ़ गया है, जो कंपनी में जो रिस्क है वो बढ़ गया है, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है कंपनी के। तो ऑडिट मेथोडोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, कंट्रोल्स में ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा ऑटोमेशन की वजह से। इसके बाद हमारी स्टडी का अगला टॉपिक है कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में ऑडिट कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के बारे में हमारी स्टडी बात करती है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑडिट करने के मैनर में इम्पैक्ट लाया और मेजर इम्पैक्ट लाया, और हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है, उसी ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है लेकिन रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए, एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो मैनर ऑफ ऑडिट चेंज हो गया कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में। तो ऑडिटर को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबसे पहली बात हमारी स्टडी कहती है। हमारी स्टडी कहती है कि दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो सिस्टम्स में चेंज आ गया है, जो सिस्टम्स हैं कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं उसमें चेंज आ गया, दूसरा कंट्रोल्स में चेंज आ गया, इंटरनल कंट्रोल्स में चेंजेस आ गए। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, किस तरह इफेक्टिव हैं कि नहीं है, एफिशिएंट हैं कि नहीं है। हमने पढ़ा दो चीज़ें होती हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस हमने ये पढ़ा क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने गोल्स को मीट आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गोल्स यहाँ पर क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, तो यानी कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब ऑडिट कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है एफिशिएंसी, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑडिटर को ऑडिट टेस्ट प्रोसीजर इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिट टेस्ट प्रोसीजर्स उसे डिज़ाइन करने पड़ेंगे, और यही चीज़ अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है, क्योंकि ऑडिट बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऑडिट होता ही इसलिए है कि कॉस्ट को बचाया जाए, प्रॉब्लम्स को निकाला जाए, और सारी चीज़ें जो भी हो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग एश्योरेंस दिए हैं और अकाउंटिंग एश्योरेंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है तो हमारा जो ऑडिटिंग एश्योरेंस 29 स्पेसिफिकली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के लिए है, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट, ये उसका हेडिंग है। तो यानी कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी एज एन ऑडिटर, हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली ये लाइबिलिटी होती है कि हम ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो AAS 29 फॉलो किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 क्या कहता है, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 वही कहता है, सबसे पहली चीज़ वो कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं हुआ है CIC एनवायरनमेंट की वजह से। क्यों नहीं चेंज हुआ है हम पहले भी बता चुके हैं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, इंटरनल ऑडिट है तो वही ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिट करने के लिए एक कंपनी में जा रहे हैं, कल की डेट में वो कंपनी जो है मैनुअल है और आज की डेट में वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो उसमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स वही रहते हैं। अगर PF का ऑडिट करने जाते हो उसके पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो यही अगर आप ESI का ऑडिट करने जाते हो तो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और इंटरनल ऑडिट करने जाते हो तो उसके अलग ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव
वही रहेंगे, भले मैनुअल हो या कंप्यूटराइज्ड हो। अगर पीएफ में जाओगे तो पीएफ का रजिस्टर देखोगे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव पीएफ का रजिस्टर देखना है। अगर इंटरनल कंट्रोल देखने जाओगे तो आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करोगे, एसेट सेफगार्ड हुए कि नहीं, एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इंटरनल ऑडिट करने के लिए जाओगे, भले ही मैनुअल में जा रहे हो या कंप्यूटराइज जा रहे हो, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। यही बात हमारा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है। फिर ये कहता है कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, डिफरेंट तरीके से प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज करता है, रिट्राइवल करता है, कम्युनिकेशन करता है। और ये मेथड्स क्या हैं, लॉजिकल मेथड्स हैं। पहले फिजिकल मेथड्स यूज़ हो रही थी, चूँकि अब हम लॉजिकल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, स्टोरिंग की लॉजिकल मेथड, प्रोसेसिंग की लॉजिकल मेथड्स, रिट्राइवल की लॉजिकल मेथड्स, कम्युनिकेशन की लॉजिकल मेथड्स, तो ये इंटरनल कंट्रोल में इफेक्ट डालेगा। अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं डालेगा, लेकिन अकाउंटिंग की प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग के जो प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को हम किस तरह से स्टोर करें, प्रोसेस रिजल्ट्स में भी नहीं डालेगा। क्योंकि अगर मान लिया कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डेबिट एंट्री वही रहेगी, उसका लेजर में इंपैक्ट वही रहेगा, लेकिन किस तरीके से हम उस एंट्री को डाल रहे हैं, किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इससे क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो है चेंज आ जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, इंटरनल कंट्रोल्स जो एम्प्लॉय कर रहा है एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल्स जो एम्प्लॉय कर रही है उसको डिफरेंट टाइप के इंटरनल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। क्योंकि अब इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग कंट्रोल्स लॉजिकल होंगे, फिजिकल कम होंगे। आज की डेट में तो ये भी है कि रिकॉर्ड्स जो हैं आजकल वाउचर के रिकॉर्ड्स जो है फिजिकली के बजाय लॉजिकली रखने शुरू किए जा रहे हैं, कि यह है कि आपका वाउचर है, वाउचर लॉजिकल होना चाहिए। कई जगह पर क्या है, ऑनलाइन ऑथराइजेशन होता है, तो वहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, डीमेटरलाइज्ड रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड्स फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं है। तो अब यहाँ पर लॉजिकल रिकॉर्ड्स कर रहे हो तो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में इफेक्ट आएगा, या लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को हमें चेक करना पड़ेगा, लॉजिकल अकाउंटिंग प्रोसेसिंग को हमें चेक करना पड़ेगा। यानी जो अकाउंटिंग की प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट इनपुट तो सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग अलग तरीके से हो रही है, तो लॉजिकल अकाउंटिंग को हमें चेक करना पड़ेगा। यही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है। तो ये कहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव और स्कोप सेम रहा है, और ऑब्जेक्टिव्स के स्कोप कंप्यूटराइज्ड हो, मैनुअल हो, सेम रहा है, लेकिन ऐसा है कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन ये चेंज हो गया है, तो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। तो बेसिकली किसी भी CIS इन्वायरमेंट में ऐसा ऑडिटर आप जा रहे हो, और एज ए ऑडिटर जाके आप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, तो अब जो होगा प्रोसीजर्स डिफरेंट हो जाएंगे। प्रोसीजर्स क्या डिफरेंट हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेने के प्रोसीजर्स डिफरेंट हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि अब तो क्या है, सारी चीज़ें लॉजिकली हो रही हैं। तो पहले क्या होता था कि आप जाते थे, आप अकाउंट डिपार्टमेंट जाते थे, आप वाउचर देख लेते थे, उसके बाद आप लेजर देख लेते थे, और उसके बाद क्या है कैश बुक देखते थे, लेजर देखते थे। अब आपको इंटरनल आर्किटेक्चर, लॉजिकल आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, लोकल एरिया नेटवर्क का क्या आर्किटेक्चर है, कहाँ पर डेटा रखा जा रहा है, कहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, कि जो ERP है वो इंडिया वाइड ERP है, ब्रांच वाइड ERP, एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड ERP है कि वर्ल्ड वाइड ERP है, और वर्ल्ड वाइड ERP में प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, डेटा कहाँ पर रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और फिर उसमें क्या, किस तरीके से वैलिडेशन होता है, किस तरीके से ऑथराइजेशन होता है, ये सारे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो प्रोसीजर्स चेंज हो गए, आपके नॉलेज अंडरस्टैंडिंग गेन करने के प्रोसीजर्स चेंज हो गए। यानी कि अगर आप मैनुअल सिस्टम में जा रहे हो तो आप उस सिस्टम को समझ रहे हो तो उसके अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर अलग हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर अलग हैं। यहाँ पर आप क्या है कि क्योंकि सिस्टम के अंदर घुसकर नहीं देख सकते हो तो डॉक्यूमेंटेशन मंगाओगे, आप कहोगे लॉजिकली ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, लॉजिकली ये कैसे रखा जा रहा है, लॉजिकली कौन से कंट्रोल्स रखे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन मंगा के देखोगे, क्योंकि आप फिजिकली सिस्टम के अंदर घुसकर नहीं देख सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसीजर में चेंज आएगा, अंडरस्टैंडिंग की प्रोसीजर में चेंज आएगा। यानी कि एज एन ऑडिटर आप कंपनी में जा रहे हो
तो किस तरीके से पहले आप कैसे अंडरस्टैंडिंग, एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी होती थी आपका, आपका एज एन ऑडिटर जो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड कहते थे, आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। तो उस अंडरस्टैंडिंग को लेने के लिए आप प्रोसीजर फॉलो करते थे, लेकिन अब यहाँ पर अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फिजिकल से लॉजिकल में कन्वर्ट हो गया है। चूँकि वो फिजिकल से लॉजिकल में कन्वर्ट हो गया तो वो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा। पहले क्या करते थे आप, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को इवैल्यूएट करते थे, लेकिन अब रिस्क प्रोफाइल चेंज होगी। तो पहले कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क कम थे, अब कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क बढ़ गए। अब पहले क्या है, मैनुअल सिस्टम्स थे तो वहाँ पर कंट्रोल रिस्क हुआ करते थे, आज इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स रिस्क और इनहेरेंट रिस्क बढ़ गए। तो पॉइंट ऑफ रिस्क भी चेंज हो गया है। तो ऑडिट रिस्क उसी तरीके से देखेगा, क्योंकि ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करेगा। उसको अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर्स में चेंज आ जाएगा क्योंकि सिस्टम फिजिकल से लॉजिकल हो गया है। अब ऑडिट रिस्क बढ़ गए और पॉइंट ऑफ रिस्क वो चेंज हो गया है। तो ऑडिटर जब इवेलुएट करेगा इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को, तो उसका भी तरीका चेंज हो गया, यानी रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ रिस्क चेंज हो गया। तो अब वो क्या करेगा, पहले वो कंट्रोल्स ऑडिटर जो होता था टेस्ट डिज़ाइन करता था, कंट्रोल्स या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्रिएट करता था। तो अब उसके कंट्रोल्स, पहले उसके फिजिकल कंट्रोल्स थे, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेंज करता था और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को प्लान करता था, डिज़ाइन करता था। तो वह क्या करता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेता था, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वो देख रहा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ये देख रहा है रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये देख रहा है कि जॉब एक प्रोफाइल दी गई है, वो ये देख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स है कि नहीं है, वो ये देख रहा है ऑथराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें लॉजिकली हो रही हैं, तो पहले फिजिकली वो देखेगा, वाउचर मंगाओ, ये दो फिजिकल चीज़ें उसके पास आ रही हैं। अब सिस्टम के अंदर घुसकर देखना पड़ेगा, लॉजिकली देखना पड़ेगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, अब सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल्स हो जाएंगे, पहले मैनुअली होते थे, अब उसे लॉग्स देखने पड़ेंगे, लॉग्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये देखना पड़ेगा कि किस किस को ऑथराइजेशन है घुसने का, कि जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स उसे चेक करने पड़ेंगे, उसमें देखना पड़ेगा ऑथराइजेशन किसको है, एंट्री करने की अथॉरिटी किसे है, कौन आदमी एंट्री कर रहा है, कौन आदमी इस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर सकता है, ये चीज़ ये देखनी पड़ेगी। दोनों अलग हैं कि नहीं अलग हैं, किस आईडी से ऑथराइजेशन हो सकता है, कहीं दो आईडी से ऑथराइजेशन तो नहीं हो सकता है, क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर सकता है आदमी। हमने पढ़ा था डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स डेलीगेट किए जा सकते हैं। आप छुट्टी पर जा रहे हो, आपने डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स हैं, तो आपने आपके जूनियर को डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स डेलीगेट कर दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे फिजिकल की जगह, अब सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसने की देखोगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 यही चीज़ कहता है, पहला क्या पहली सबसे पहली चीज़ वो ये बोलता है ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ कहता है कि अब प्रोसेसिंग लॉजिकल प्रोसेसिंग होने लगी, लॉजिकल स्टोरेज होने लगा है, लॉजिकल रिट्रेवल हो गया और लॉजिकल कम्युनिकेशन होने लगा है।